नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, दिन अच्छे बुरे चलते रहते हैं, इंसान का जीवन स्थिर नहीं रहता है। कभी ज़िंदगी में अच्छे पल आते हैं, कभी दुख के पल आते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूं, ग्रह गोचर काफ़ी बदलने वाले हैं और आने वाले टाइम में जिनका नाम ए पर है उनका समय कैसा रहेगा, आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ। जिनका नाम ए पर है, नाम कोई भी हो सकता है, सरनेम कुछ भी लगाते हों, लेकिन ए नाम के साथ में कुछ परसेंटेज का फ़र्क पड़ सकता है आपके सरनेम के हिसाब से या आपकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन हाँ, ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा ये बात सभी पर लागू होगी जिनका कि ए से नाम चालू होता है। ए नाम वालों के लिए सबसे खास जो बात है वो ये है कि उनके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। नौकरी है तो कुछ उसमें परिवर्तन होगा, नौकरी बदल सकते हैं, बेटर के लिए होगा ये काम। व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है, अब तक जो परंपरागत तरीके से जो काम कर रहे थे उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। छोटी दुकान है तो बड़ी दुकान आएगी, कोई शोरूम है तो एक शोरूम और खुलेगा, ऐसा आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा भाग्य आपका साथ देगा और आप भाग्य के सहयोग से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। इसके लिए आपको दो काम करने हैं, आपको रेगुलरली रोली का तिलक माथे पर लगा के रखना है और एक लाल रंग की माला ले लेनी है। लाल रंग की माला आपको किसी भी पूजा पाठ वाली दुकान पर मिल जाएगी, उससे आपको मंगल के मंत्रों का जाप करना है, ये आप डेली करना। इसके अलावा आपको मंगलवार के दिन कोई भी लाल चीज़ मंदिर में ज़रूर चढ़ानी चाहिए, चाहे एप्पल है या मसूर की दाल है, ये ज़रूर चढ़ानी है और स्वयं खानी भी चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्योदय जल्दी होगा। इसके अलावा ए नाम वालों को एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, उनको सदैव अपनी माता का आशीर्वाद लेकर और पिता का आशीर्वाद लेकर ही कोई काम प्रारंभ करना चाहिए। इसके अलावा आप अमावस्या के दिन गरीबों को खाना खिलाइए तो ये जो आने वाला टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा जो लोग विवाह के लिए सोच रहे थे करने का, उनको भी अच्छे प्रस्ताव इस अवधि में आने वाले टाइम में आने वाले हैं। तो कुल मिला के ए नाम जिनका है उनके लिए तो समझ लो लॉटरी निकल गई है और बहुत ही बढ़िया टाइम उनका गोल्डन पीरियड चालू होने वाला है।